हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं अलग अलग वीडियोस में आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी अगली बाइक कौन सी परचेस करने की तैयारी कर रहा हूँ। उन सभी बाइक्स में से एक बाइक मैंने डोमिनर 400 को भी कंसिडर किया हुआ था और ये बाइक लगभग मेरे ऑलमोस्ट फेवरेट्स में से है। इस गाड़ी के लुक्स, इसका पावर, इसकी रेपुटेशन, इसकी ड्राइव क्वालिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ऑलरेडी। इंटरनेट पर इसको सभी लोग जानते हैं। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई तब से मैं बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी करता हूँ। इसका एडवर्टाइजमेंट जब आया था हाथी मत पालो वाला रॉयल एनफील्ड के अगेंस्ट, तभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ था कि उस टाइम पर रॉयल एनफील्ड की वैल्यू मुझे कम थी और मैं भी हेटर्स में से एक था। अब नहीं हूँ लेकिन तब था, तो मैं काफ़ी इंप्रेस था इसके कॉन्सेप्ट से कि गाड़ी पावरफुल भी है और स्पोर्टी भी है और हैंडलिंग भी ज़बरदस्त है। तो अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ ड्राइव पर। मेरे साथ चल रही है NS 200। वाओ, गाड़ी का इंजन साउंड और एक्सेलरेशन का इनिशियल पुश कितना अमेजिंग लग रहा है। पहली बार में इंप्रेस हो जाए कोई इंसान इसको राइड पर अगर लेकर जाए। ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्किल ड्राइवर हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो, लेकिन बहुत सारा बाइकिंग एक्सपीरियंस हो तो अच्छा ही रहेगा। तो इसको एंजॉय करने में और इसकी राइड क्वालिटी को समझने में आसानी होगी। मेरा अब तक का बेस्ट इनिशियल एक्सपीरियंस है किसी बाइक के साथ जो मुझे आज डोमिनर 400 में मिला है। पहले भी कई सारी पावरफुल बाइक्स में चला चुका हूँ, बट फर्स्ट टाइम में इतना मज़ा आ जाए और इतने जल्दी वो मज़ा समझ में आ जाए, वो पहली बार मेरे साथ हो रहा है। ये गाड़ी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है इवन 390 एडवेंचर टूरर के कंपैरिजन में। इसकी हैंडलिंग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है मुझे कि मैं इसको स्पीड में पहली बार में चला रहा हूँ। अदरवाइज 400cc की किसी गाड़ी को मैं इतने जल्दी स्पीडिंग करने की कोशिश नहीं कर पाता क्योंकि मैं उसके पावर से डरता, जो मैंने 390 एडवेंचर को चलाते वक्त भी किया था। यहाँ वैसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये बाइक तो मैं रोज़ चलाता हूँ। इसके डिजिटल MID के अलावा गियर शिफ्ट और ऑडोमीटर को इंडिकेट करने के लिए एक छोटी सी स्क्रीन अलग दी हुई है टैंक के ऊपर। काफ़ी कूल आइडिया है वो बजाज का, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसका जो गियर शिफ्टर और ऑडोमीटर है वो मेन स्क्रीन पर ही होता तो बेहतर होता और कन्वीनियंट भी होता राइडर्स के लिए। मुझे भी थोड़ा बहुत फील हुआ है वो, क्योंकि मैं जानता नहीं था कि गियर शिफ्ट इंडिकेशंस के नीचे वाली स्क्रीन में, मैं भूल गया था कि इसमें दो स्क्रीन आती है, तो मैं MID पर ढूंढता रहा गियर शिफ्ट इंडिकेशन कहाँ है। आई टोटली थिंक कि वो भी फर्स्ट स्क्रीन पर हो तो अच्छा रहेगा, बट ये कोई डील ब्रेकर वाला फैक्टर नहीं है। अगर वो चीज़ सॉल्व नहीं होती है तो भी इस बाइक को कंसिडर किया जा सकता है इसके ड्राइव डायनेमिक्स और इसके रिलायबिलिटी की वजह से। बहुत जल्दी मैं इससे यूज टू हो गया हूँ, उसके ओवरऑल ड्राइव डायनेमिक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली मालूम पड़ रही है गाड़ी। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सीधे स्कूटी से कूद कर इस पर आ जाओ, लेकिन 150cc से सीधे 400cc पे अपग्रेड करने वाले भी बिगिनर फ्रेंडली बाइक बोल सकता है इसको। थोड़ी सी स्पीड पर भी मैं इसको चला रहा हूं तो काफ़ी स्टेबल फील हो रही है। हाईवे पर टेस्ट करके इसकी स्टेबिलिटी को अलग फीडबैक मैं ज़रूर दूंगा, बट फिलहाल तो सिटी राइडिंग करके मुझे फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करना है इस वीडियो में। टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बात करें तो इसमें 373cc का DOHC वाला BS6 वेल रिफाइंड लिक्विड कूल्ड इंजन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इतने बड़े सीसी वाली गाड़ी है तो लिक्विड कूलिंग उसमें मिल गई। 40 PS का मैक्सिमम पावर ये जनरेट कर लेता है लगभग 8,500 की RPM रेंज पर, और 35 Nm की मैक्सिमम टॉर्क पर ही पहुंच जाता है लगभग 6,500 की RPM पर। तो ओवरऑल पावर आउटपुट और टॉर्क इस गाड़ी का बहुत बढ़िया है इसके वेट के हिसाब से, जिसकी वजह से आपको बहुत मस्त बहुत अच्छा एक्सेलरेशन मिल जाता है। पीक रेंजेस तो इसकी मैं हाईवे पर टेस्ट करूंगा कि अगर पीक 8,500 पर पहुंच जाता है तो कब तक रहता है, ड्रॉप होने के पहले कितनी RPM तक अपन उसको भगा सकते हैं, क्या ये 10,000 तक की रेडलाइनिंग कर सकता है या नहीं, वो सब मैं चेक करूंगा और आपको बताऊंगा। 0 to 100 की गाड़ी सिर्फ 7 सेकंड में पहुंच सकती है और काफी क्विक है एक रॉकेट की तरह, और इतना पावर होने के बावजूद गाड़ी की स्टेबिलिटी और कंट्रोल इतना बरकरार रहने का कारण है इसका 187 kg का वेट, जो कंबाइन हो जाए इसकी पावर और ड्राइव डायनेमिक्स के साथ में तो रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी मिलती है स्पीड में और अल्टीमेट सिटी हैंडलिंग भी मिलती है। नेकेड स्पोर्ट्स बाइक तो ये है, पर ये स्पोर्ट्स टूरर भी है, ड्यूल कैरेक्टर प्ले करती है गाड़ी। 400cc के इंजन की वजह से आपको हाईवे फन तो मिलेगा लेकिन अच्छी खासी हीटिंग भी मिलेगी कोल्ड रीजन्स में जब आप ट्रिप करोगे। मैं तो इसका फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, सिटी में इतना अच्छा हैंडलिंग को एंजॉय कर रहा हूँ। कैसे भी चलाओ ये गाड़ी कंट्रोल में ही रहती है, देख रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है।
लिटरली मैं बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ आज ये गाड़ी को चलाते हुए, जो मैं कई सारी बाइक से इम्प्रेस हुआ हूँ पहले भी, लेकिन इतना ज्यादा हैप्पी अंदर से इतना ज्यादा डिलाइटेड कभी फील नहीं किया जितना मैं आज कर रहा हूँ। आई थिंक ये बाइक को मैंने पहले ही चला लेना चाहिए था, तो मुझे पहले से पता चल जाता है गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। 27 से 30 kmpl तक का माइलेज भी गाड़ी दे सकती है अपने को। लोग कहते हैं कि 400cc वाली डोमिनर जो है वो टूरिंग के लिए बेस्ट है और 250cc वाली डोमिनर जो है वो सिटी के लिए बेस्ट है। मुझे 250cc वाली को भी एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा, और एक वीडियो काफी नहीं है क्योंकि इनफ वर्ड्स नहीं है मेरे पास में इसको फर्स्ट राइड रिव्यू में एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इसके और भी ज्यादा वीडियोस मैं बनाऊं गाड़ी की, और ऐसी ही बाइक मुझे भी चाहिए मेरे लिए जिसको समझाने के लिए मुझे कई सारे वीडियोस लगे जो एकदम एक ही वीडियो में खत्म ना हो जाए। तो स्टे ट्यून, मैं और भी कई सारे वीडियोस इस बाइक के लेकर आऊंगा, और जो जो बाइक्स मुझे पसंद आते जाएंगे जो मैं और ज्यादा शॉर्टलिस्ट करते जाऊंगा फाइनल लिस्ट के लिए, सब गाड़ियों के मैं मल्टीपल वीडियोस आपको देते जाऊंगा। गाड़ी की स्टाइलिंग भी बहुत जबरदस्त है, इसका लुक्स और इसके मस्कुलर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, और हेल्दी अडल्ट के लिए ये गाड़ी परफेक्ट सूटेबल है। 17 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं जो कि एक रेयर फैक्टर होता है इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में। सुपर स्टाइलिश लगती है गाड़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में इसका 110mm का फ्रंट टायर और 150mm का रियर ट्यूबलेस टायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि हाई स्पीड स्टेबिलिटी देने के अलावा कॉर्नरिंग में भी अच्छा कंट्रोल देने के लिए ये टायर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ड्यूल चैनल ABS भी है इस गाड़ी में, ड्यूल डिस्क ब्रेक्स के साथ में, और 320mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो रेडियल कैलिपर्स के साथ है जिससे आपको रॉक सॉलिड ब्रेकिंग मिलती है, और इंडस्ट्री लीडिंग फीचर भी है इसमें। अब अपसाइड डाउन वाला फ्रंट फोक मिल जाता है 43mm का जो 135mm का ट्रैवल देता है आपको, तो आप फ्रंट सस्पेंशन से अच्छी स्टेबिलिटी और कंफर्ट दोनों एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइड क्वालिटी उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। मल्टी स्टेप एडजस्टेबल वाला मोनोशॉक है नाइट्रॉक्स के साथ में पीछे के लिए, और उसमें 110mm का व्हील स्ट्रोक आपको मिल जाता है, तो सो अगेन मोर कंफर्टेबल एंड मोर स्टेबल फॉर एनी टाइप ऑफ राइडर। ट्विन बैरल एग्जॉस्ट भी इस गाड़ी में लगा हुआ है जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और टूरर वाले कैरेक्टर को बहुत अच्छा कंप्लीट करता है। फुल LED हेडलैम्प यूनिट, बहुत बड़ा हेडलाइट इसमें दिया है, मल्टीपल LEDs लगे हुए हैं उसमें, और इल्यूमिनेशन भी उसका अच्छा है जो मैं आपको नाइट टेस्ट करके अलग से बता दूंगा। LED टेल लैंप्स भी इसमें मिलते हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। स्टाइलिंग और प्रीमियमनेस की कोई कमी नहीं इस गाड़ी में। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है विच इज़ नॉट टू लो बट ऑल्सो नॉट टू हाई। 15 लीटर का फ्यूल टैंक होता है इतनी बड़ी गाड़ी में तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि टैंक ऑलरेडी लेंदी भी है, सो आई एम नॉट श्योर उसमें और बड़ा साइज क्यों नहीं लगाया गया, बट रैक लगा करके आप जेरिकेन्स वगैरह कैरी कर सकते हो उसको हिमालयन की तरह, क्योंकि टूरिंग कैरेक्टर इस गाड़ी में है। कई लोगों ने मॉडिफिकेशन भी करवाया है, मैं हो सके तो आपको एक फोटो शेयर करूंगा भी स्क्रीन पर। एक फैक्टर ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के कंसर्निंग है कि 157mm का लो ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में मिलता है, तो ऑफ रोडिंग करते हुए शहर में ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए अगर आपको लगे कि आपकी गाड़ी नीचे से टच होने वाली तो आपको संभल कर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि 165mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में तो मैं FZ में भी थोड़ा सा खतरा महसूस करता हूँ कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशंस में, तो 157mm के ग्राउंड क्लियरेंस तो और भी कम है, तो आई थिंक आई हैव टू बी मोर केयरफुल फ्रॉम हियर। बट सस्पेंशन वहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करेंगे कि वो स्टिफ है तो इजीली लोडेड गाड़ी को शायद इतने नीचे होने ना दें, उसके लिए एक अलग टेस्ट मैं करूँगा। लगभग 2.5 लाख रुपए इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आ जाती है नागपुर में, और 2 लाख रुपए में आपको डोमिनर 250 अवेलेबल हो जाती है जिसमें पावर थोड़ा सा कम है 27 PS और टॉर्क भी थोड़ा सा कम है 23 Nm, बट वो भी एक सफिशियंट अपग्रेड हो जाएगा अगर 150cc की बाइक से ऊपर आना है तो, क्योंकि बजाज की गाड़ी है पावर लोडेड है। 250 वाली FZ से 250 वाली डोमिनर कभी भी बेहतर रहेगी उसके पावर उसके वेट और उसके ड्राइव डायनेमिक्स की वजह से। कभी वेट 180kg का है, 100mm के फ्रंट टायर 130mm के रियर टायर में मिल जाते हैं, टायर्स उसके 140mm के होते हैं, 130 की जगह तो ज़्यादा अच्छा होता आई थिंक, बट दैट्स ओके, उसको भी टेस्ट करके बताऊंगा कि उसमें राइड एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। मैं इस दोनों ही गाड़ियों को फिलहाल कंसिडरेशन में रख रहा हूँ, और डिसीजन होगा एंडिंग में जब लेने के वक्त का बजट डिसाइड हो रहा होगा। फिलहाल मेरा इस वीडियो में कंक्लूजन यही है कि डोमिनर 400 एक बहुत बेहतरीन गाड़ी है, एंड बजाज की तरफ से एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। ऐसी बाइक मैंने लाइफ में कभी नहीं ड्राइव की। आई नो इससे भी बेहतर बेहतर बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है, बट इस प्राइस सेगमेंट में सिर्फ 2.5 लाख रुपए में 400cc जैसा पावरफुल रॉकेट, इतना बढ़िया ड्राइव डायनेमिक्स, इतना बढ़िया स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मैंने कभी किसी बाइक से एक्सपेक्ट नहीं किया, ना आगे कभी कर पाऊंगा। मुझे डोमिनर 400 को अपनी लिस्ट में कंसिडर करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी कई सारी बाइक्स जिनको मैं कंसीडर कर रहा हूँ उनके रिव्यूज़ देने वाला हूँ, इंक्लूडिंग द हिमालयन 411। सो ऐसे कई सारे मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।